शहर के जमालगढ़ रोड पर नगरपालिका की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर लोगों ने मंगलवार को जमकर बवाल काटा। लोगों ने नगरपालिका पर कब्जा करवाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने स्वयं की कब्जा हटाते हुए ईंटों को उखाड़ कर तालाब में फेंक दिया। मौके पर दूसरे पक्ष में पहुंचने पर जमकर कहासुनी और झड़प हो गई। सूचना मिलने पर बनाना सिटी चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों से दो दो व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, जिनको बाद में तहसीलदार ने जमानत पर छोड़ दिया। वहीं कब्जा का आरोपी पंडित श्याम का कहना है कि यह जमीन उनके परिवार वालों की है, लोग बेवजह उन्हें तंग कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि आप यहाँ पर जमीन को पर कब्जा कर रहे हो, क्या मामला है? क्या ये जमीन आपकी है या नगर पालिका की है? क्या कहना चाहोगे आप? 1976 में मेरे मामा रामकृष्ण के नाम से प्लॉट अलॉट हुआ था, ग्राम पंचायत पुनाना ने दिया था। कुछ दिनों के बाद ग्राम पंचायत पुनाना भंग हो गई, नगर पालिका आ गई। हमारा नगर पालिका से केस चला, काफ़ी समय तक केस चलने के बाद मामा रामकृष्ण हमारे इस केस को जीत गए। केस जीतने के बाद में हमने इसमें कच्चा पक्का मकान बना लिया। जब चेयरमैन सद्दीक अहमद बने तो सद्दीक अहमद ने उस कच्चे पक्के मकान को, हम गरीब आदमी के मकान को गिरा दिया है कि जिस प्लाट की बात कर रहे हैं वो दूसरी साइड है, इस साइड नहीं है। ये लोग जाके तहसीलदार के यहाँ के जाके तफ्तीश करें, वो मेरे पास भी उसका छिजरा है जो कि मैं मौके पर कोर्ट में पेश करूंगा। तो आपने इसकी निशानदेही जो जगह बना रहे हैं आप, वो पूरी तरह से मालिकाना हक मिलने पर ही मैं कोर्ट में अपनी तामीर करूंगा, अन्यथा जो कुछ मैंने अब तक उसमें खर्चा किया मैं अपनी ईंटों को उखाड़ के ले जाऊंगा। मैं नाजायज कब्जा नहीं चाहता। क्या मामला है और क्या ऐसी नौबत आ गई जो आपको ये अवैध कब्जा ढहाना पड़ा? जनाब, ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, ये जमीन नगर पालिका पुनहानिया और पंचायत देव पुनहाना की जमीन है सारी की सारी। इन्होंने एक फर्जी रजिस्ट्री किसी से खरीदी है जो 43 साल पहले 1976 में एक रजिस्ट्री किसी को अलॉट हुई थी प्लॉट, वो खरीदी है और वो नंबर है 4/9 और 3/9, दो नंबर है वो, उनसे इनकी प्लाट है। उनका ताल्लुक उस प्लाट, वो भी रामकिशन के नाम से, पंडित जी के नाम से कोई प्लाट नहीं है यहाँ पे। वो रामकिशन अगर दखल भी लेगा कोर्ट के माध्यम से, उसको दखल लेना चाहिए 4/9 और 3/9 की जमीन में। और ये जबरदस्ती 66 नंबर 67 नंबर जो नगर पालिका और पंचायत देगी जमीन है, इस पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। वो जमीन की कीमत 2 लाख रुपया, ये जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपया। सिर्फ जमीन अदला बदली कर रहे हैं, कोई कुछ कहेगा नहीं, और उसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं सारे लोग। इसीलिए हमने सारे बरादरियों के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को यहाँ जमा किया है, इसीलिए जमा किया कि कोई आदमी धार्मिक रंग ना दे। मामले को लेकर आपने पहले किसी अधिकारी को? मामले को लेकर सबसे पहले मौखिक शिकायत की गई डीसी से। मैंने डीसी नूह को फोन किया जिस दिन ये लोग कब्जा कर रहे थे, मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बोला कि आप एसडीएम से बात कीजिए, मैं 3 दिन छुट्टी पे हूँ। तो फिर मैंने एसडीएम से बात करी, एसडीएम ने कहा कि मैं बात करता हूँ अभी। उन्होंने नगर पालिका सचिव या एमई जिसको भी बात करी होंगी, उसके बाद उन्होंने तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार ने गिरदावर को भेजा, गिरदावर यहाँ पे आई, गिरदावर ने आके पुलिस की मदद से ये कब्जा रुकवाया, क्योंकि गिरदावर यहाँ पहले पटवारी रह चुके हैं, उनको सारा माजरा पता, कौन सी जमीन कहाँ की है, कौन से नंबर की है, कौन इस पर कब्जा कर रहा है। तो उन्होंने आके ये कब्जा रुकवाया, हम लोगों ने, उन लोगों ने मिलकर कब्जा रुकवाया। आज 8 दिन हो गए हैं नगर पालिका प्रशासन की पूरी मिली भगत है, वो लोग खुद चाह रहे हैं कि इस पर कब्जा हो जाए, पूरा नगर पालिका प्रशासन ये चाहता है। नगर पालिका प्रशासन सचिव है, अगर उसको फोन करो तो फोन नहीं उठाएगा। एमई का ये गांव है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर पता ही नहीं है कहाँ रहता है, फोन है कि नहीं है, चलाता कि नहीं चलाता है। हम लोग सब जगह शिकायत लेके जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने आज सारे जमीन तो अपनी नगर पालिका की, यहाँ पहले पानी भरा हुआ था, पानी भरने की वजह से यहाँ कोई प्लॉट नहीं कटे। अब ये प्लॉट जो जिसकी आड़ में ये कब्जा हो रहा है वो 23/6/1976 में प्लॉट मिला था रामकिशन सनौ घासीराम, और वो प्लॉट भी पटाकपुर एक रास्ता है साइड में, वो हमारे पास कुछ हम नगर ले आए हम हरदे के आगे और आपको दे देंगे। वो वहाँ है प्लॉट और उसमें लिखा हुआ साहब कि 12 महीने के अंदर अंदर अपने जमीन को कब्जा करें, अन्यथा ये सरकार की जमीन होगी और नहीं किसी को गिफ्ट दे सकते, नहीं किसी को दान दे सकते, नहीं किसी को बेच सकते, स्कीम साफ लिखा हुआ है। परंतु घासीराम ने पहले ही 1,500 रुपये में वो जमीन बेच दी थी, अब उसको इसकी आड़ में कब्जा कर रहे हैं लोग। आगे हम सरकारी कार्रवाई करते रहेंगे।